हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, वैसे तो बचपन में हमने बहुत सारी गेम्स खेली हैं और आपके भी काफ़ी सारी गेम्स जो हैं वो फेवरेट होंगी, जैसे टेकन हो गया, ये सब हो गया। उसके अलावा दोस्तों, मुस्तफ़ा नाम की भी एक गेम हुआ करती थी, पता नहीं आप लोगों ने खेला कि नहीं खेला। कि 90s किड को तो खैर बहुत पता है कि इस गेम के बारे में, बहुत ही अच्छी गेम थी दोस्तों। आप अपने फ़ोन में आज इस गेम को खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, आपको बस टाइप करना है मुस्तफ़ा गेम एंड्रॉइड फ़ोन अगर आपके पास है तो जस्ट क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये गेम आपकी डाउनलोड हो जाएगी, 26 MB के आसपास है। और ये देखो, मैंने यहां पे इसको इंस्टॉल कर लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से मजे करो, बहुत जबरदस्त गेम है। हालांकि इसके हाईफाई ग्राफिक्स नहीं है, पर एकदम कूल गेम है, मतलब आपका माइंड शांत कर देगी। कुछ इस तरह का मेनू खुल के यहां पे आ जाता है, ये थोड़ा सा इसको अलाउ करना पड़ेगा आपको यहां पर। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेट बंद कर देना इस गेम को खेलते टाइम, नहीं तो यहां पर बहुत सारी एड्स आती हैं और आप देख सकते हैं वार्निंग आ गई है यहां पर। डायनासोर के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, इसमें बहुत सारे डायनासोर वगैरह रहते हैं, बहुत स्टोरी लाइन बहुत सही है, मतलब बेसिक है स्टोरी लाइन, तो खैर इन गेम्स में क्या ही होती थी पहले के टाइम में। ओके, तो यहाँ पर आ गया, मेरे को बचपन की यादें आ गई यार। यहाँ पर बड़ी सी गेम होती थी, 4 प्लेयर इकट्ठे खेल सकते थे और सिक्के डलते थे उसके अंदर, तो बेसिकली वही गेम है। तो पुश स्टार्ट बटन इंसर्ट कॉइन भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा मेनू खुल चुका है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा जो बटन है स्टार्ट का, वहाँ से आपको कॉइन डाल के स्टार्ट करना होता है, कॉइन का बटन दबाना है, फिर स्टार्ट का बटन दबाना है, फिर अपना प्लेयर जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मुस्तफा को सिलेक्ट कर लिया है, चारों प्लेयर वैसे काफ़ी अच्छे हैं। और ये हमारा जो प्लेयर है यहाँ पर आ चुका है यार, क्या जमाना था जिस टाइम पर ये गेम आती थी। आई थिंक पता नहीं कौन से टाइम की बात है ये, मुझे अब ठीक से याद भी नहीं है, शायद मैं 6-7 साल का था, आई डोंट नो, आई थिंक मैं 96, 97 या 98, कुछ ऐसा ही टाइम था उस टाइम का। तो उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गेम ये हुआ करती थी, तो हम दीवाने हुआ करते थे गेम को खेलने। माई गॉड दोस्तों, पुराने दुश्मन आ गए हमारे सामने। ओके, तो मुस्तफ़ा हमारा हमेशा से ना एकदम ज़बरदस्त वाला प्लेयर होता था, बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग करता था, मतलब बहुत ज़्यादा। ओ, खाना मिल गया मेरे को, माई गॉड, इस तरह के छछुंदर ये हमारे आसपास घूमते रहते थे, इन्हें हमें किल करना होता था और खजाना भी मिलता है रास्ते में, और इस तरीके से मार। आपको लग रहा होगा दोस्तों बिल्कुल हाई फाई ग्राफिक वाली गेम नहीं है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार खेल के देखना, जबरदस्त है। देखा किस तरीके से गन से मैंने उड़ा दिया, माय गॉड, छोटी मोटी गन भी मिल जाती थी इसके अंदर, ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं मिला करती थी उस जमाने में, आपको पता है। अरे मोटे बाबा, तो दोस्तों यहाँ पे मोटे मोटे अंकल हमसे आके टकराते थे, तो इनको भी हमें पहले इनको मारना होगा, इनको ये लो मोटे अंकल, इन्हें टक्कर मारते थे आपको, तो इन मोटे अंकल को हम साइड में कर देंगे और ये अपनी गन को लेकर हम आगे चलेंगे। खुद ही बोलता है, जम कर देगा खुद ब खुद ही, अब तो गन हमारे पास है। इस तरह से जो दोस्तों ज़्यादा बड़ी गेम नहीं होती थी, छोटी सी गेम होती थी ये, थोड़ी बहुत स्टेजेस वगैरह होती थी इसके अंदर। अरे भैया ये कौन आ गया, तो इनको हमें मारना है, अब यहाँ पे इनको मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमको मिलेगा बर्गर्स या हैंड बर्गर्स, जो भी मिलेगा। ओके, और मेरे पीछे तो हमला, तो ये ग्रेनेड ले लेते हैं हम। तो इस तरह के बेसिक हथियार हमें इस गेम के अंदर मिलते थे, तो बड़ा फन टू ले कहूँ तो गेम है यार, ये बहुत ही बढ़िया है। और काफ़ी दिन से कोई गेम आई भी नहीं था, माई गॉड डायनासोर्स, तो इस तरह का दोस्तों रहता था इसके अंदर, और भी दोस्त होते थे ना साथ में, मतलब 4 फ्रेंड्स खेलते थे तो मज़ा आता था इस गेम के अंदर, अलग ही चीज़ थी यार। और अगर आपका प्लेयर मर जाता था फिर सिक्का डालना पड़ता था, या पता नहीं हमें 2 बारी मिलती थी या 3 बारी मिलती, ऐसा कुछ रहता था सिस्टम। उसके बाद सिक्के नॉर्मली हमारे ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि पता नहीं 2 रुपये के 4 आते थे, आई डोंट नो। पर हमें जल्दी से जल्दी इस तरह से इन डायनासोर्स को मारना होगा इनको। अरे यार इतने लाते तो मुझे मत मारो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वैसे परेशान हूँ, इतनी लाते मैं और खा नहीं सकता। ये लो, तो ऊपर से आपको दिख रहा होगा ब्लड जो है इस तरीके से आता रहता है इनका, जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा जब रेड कलर बहुत भर जाएगा तो मतलब वो मर जाएगा। अरे पीछे बर्गर खाना पड़ेगा मेरे को, तब मेरा जो खून है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो चलिए कम नहीं मतलब बढ़ जाएगा, तो इसको मैं खा लेता हूँ। ये देखा आपने, रेड कलर की लाइन मेरी छोटी हो गई है, तो अब जल्दी से हम इनको किल करते हैं। मज़ेदार एकदम ज़बरदस्त गेम है यार, मतलब वैसे तो बहुत सारी गेम्स इस तरह प्ले स्टोर में अवेलेबल होती हैं, पर मैंने अभी हाल ही में देखी यार ये गेम भी है, तो मतलब ऐसा कोई बुरा भी नहीं लगा मेरे को गेम के अंदर, नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं लगा। अरे भैया इतना मत मारो मेरे, स्मैश दैट, तो इतना ऐसा होता था कि गेम के जो कंट्रोल हैं दोस्तों, कंट्रोल थोड़े अच्छा नहीं है, और दे आर यू आर गोना टू पे दिस। ओके, तो इस तरह से रहता है कंट्रोल, थोड़े मैं कहूँगा इस गेम के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब हो सकता है आपको थोड़ा सा लैग वैग आए, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, जिस तरह मैं यहाँ पे दाएँ जा रहा हूँ दाएँ नहीं जा पा रहा तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, ये सुधार नहीं जाए तो गेम का काफ़ी बढ़िया है और बहुत मज़ा आएगा आपको खेल के, सच कह रहा हूँ यार, एक बार खेल के देखना इसको। ओ माई गॉड, ये निहत्तों पे वार किया जा रहा है, ये ना इंसाफी है, माई गॉड। तो इस तरह से हमारा दुश्मन मर जाता था यार, ये बात भी याद आ गई मेरे को यार, कितना जबरदस्त था। मैं कौन सी क्लास में था उस टाइम पे, 6th में या 5th में, अरे नो 7th में, पर मुझे याद नहीं है ठीक से, पर यार बहुत उस टाइम टेकन 3 भी बहुत चलती थी। ओके, तो बहुत सारा पैसे मिल गया हमको इस तरह से, सिक्कों की आवाज़ जो है ना ये एकदम मस्त लगती थी एकदम। देख रहे हो, छोटी सी गेम है, छोटी छोटी सी स्टेजेस हैं इसके अंदर बस, एकदम बढ़िया। और ओ माई गॉड,
क्रिएचर इज हंटिंग इन द ओकेन, इनसे हमें बचकर आना होगा और बात ना है। दूसरा एपिसोड शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आप यहाँ पर। अरे गाड़ी भी मिल गई हमें, पुराने ज़माने की खटारा गाड़ी मिली है। और अब हमारा मुस्तफा भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अरे डायनासोर्स के ज़माने में पहुँच चुके हैं हम, इसको आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या गन मिली है हमको यहाँ पर, और साथ में कुछ खाने का इंतजाम भी है, बहुत बढ़िया, जंगल में मंगल। अरे बढ़िया, ओके। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इनको किल करना होता है, गन की मदद से भी कर सकते हैं, मुक्के मुक्के मार के भी उनका तोड़ सकते हैं आप। पर यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने हथियार को लेना होगा, क्योंकि मेरा हथियार छीना भी जा सकता है। यहाँ पर एक डायनासोर हो रहा है, आगे देख सकते हो आप गन्स और एक गोलियाँ भी मिल जाएंगी आपको इस तरीके से। तो आपको बेसिकली गोलियाँ लेते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन आगे खतरनाक वाले भी आएंगे, तो गोलियों से उन्हें मारना भूनना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, अरे और गोलियाँ भी हमें मिल गई हैं, मोटो मल ये लो। अरे तुम्हें बहुत सारी गोलियाँ खाने की जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, तुम्हारे पेट में छेद करके तुम्हारी हवा को निकालना पड़ेगा। माय गॉड, अरे ये क्या खूनी खंजर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेड पकौड़े का भी इंतजाम है यहाँ पर, ये लो मोटे बाबा। और यहाँ पर हमारा, अरे ये क्या पीछे से हमला, ओ माय गॉड, मज़ा ही आ गया आज गेम खेल कर। इतने दिनों बाद मेरी घटिया कमेंट्री आप लोगों को सुनने को मिली है, बहुत सहन करने को मिली है। ओके तो दोस्तों मेरा मजाक में तो उड़ाना कि मैं ये वाली बेसिक सी गेम खेल रहा हूँ, बट ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, खास तौर पे मेरे दिल के बहुत करीब है। कितना छोटा था मैं जब ये गेम खेलता था। अरे ये कहिए पता, बहुत कम गोलियाँ चलाते हैं, बट जब भी चलाते हैं एकदम ऐसा इनकी इनका निशाना कभी चूकता नहीं है, पर चलाते बहुत कम है। अरे ये क्या हमें मिला है ग्रेनेड, अरे ये मैंने ऐसे फेंक दिया, बूम बूम का बूम, ये तो ये भी गए, अब चलते हैं जल्दी से आगे। अरे ये क्या पीछे से हमला कर रहे थे, ओके तो चलते हैं, पानी में डूब गए थे हम, आगे चलते हैं और देखते हैं। अरे यहाँ पर क्या है यार, धीरे धीरे मतलब मेरी ना यखोई हुई याददाश्त वापस आ रही है, क्या क्या होता था यहाँ पर। ये रस्सी वाला आदमी भी था, ये बहुत मारता था हमको, और उस टाइम पे यार मतलब हम प्रो नहीं थे, मतलब प्रो तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर हम हार जाते थे, हमारे सिक्के ख़त्म हो जाते थे, एक प्लेयर गया नहीं, कहाँ से लाएंगे हम 2 रुपये यार, इतने मुश्किल से मिलते थे, ओनली 2-3 दिन में मिलते थे 2 रुपीज़ यार, क्या कर सकते हैं यार, कितनी मजबूरी थी। और आजकल ये सारी गेम्स फ़ोन में आ गई हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यार, पर वो पैसे देके खेलने का दबाना ही अलग था ना, मज़ा ही अलग था चीज़ का। माय गॉड, तो इनको हमें मारना होगा सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे अगले स्टेज पर। सिक्के भी मिलते हैं आपको, ज़्यादा सिक्के नहीं देते थे गेम में, इस गेम में बहुत कंजूसी होती थी, एक ही सिक्का मिलता था आपको इस टाइप से। चलिए इसको हम तोड़ते फोड़ते हैं, और यहाँ पे हमें फिर मिल गया खाना, ओके ओके। तो यहाँ पे गो गो बोल रहा है ये, तो यहाँ पर और हमें मिल गया है यहाँ पर सोने से भरी थाली, तो इसको ले लेते हैं हम। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ और है क्या यहाँ पर, आप देखते हैं बहुत सारे ड्रम्स हैं, तोड़ते हैं देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। चॉकलेट मिल गई है, घड़ी मिल गई, सोने की घड़ी। अरे ये दोनों क्यों नाच रहे हैं यहाँ पर, इनको तो हमें मारना ही होगा। ओके इन ड्रम्स में देखते हैं क्या मिलता है, एक और घड़ी मिल गई हमको, एक बॉम्ब मिला है, और साथ में एक रिवॉल्वर भी, बॉम्ब को तो मैंने बुला दिया गया, और रिवॉल्वर से हम इनका शिकार करेंगे। ओके मुस्तफा किल कर दो उसको भी जो हमारे सामने आने वाला, ओके ये है इस गेम का बहुत बड़ा शैतान, तो इसे हमें मारना होगा। ओ ग्रोस दिस इज टाइम सो आई वांट टू किल यू, ओके माय गॉड बहुत ही शैतान है, बहुत ही बड़ा, पर हमारे आगे इसकी नहीं चल सकती क्योंकि हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो चलिए जल्दी आ रहा है एक पीछे से हमला, तो इस तरह की मतलब धोखेबाजी भी इस गेम में होती है, तो बच के रहना, दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। दोस्तों इस तरह की बेसिकली जो गेम्स रहती थी ना, इसमें मैं मानता हूँ कि आज की हाई ग्राफिक्स गेम्स से ना इस तरह की गेम्स ज़्यादा अच्छी होती थी। ये क्या मुझे मार डाला, सिक्के ख़त्म नहीं अभी पड़े हैं मेरे पास। तो यहाँ पे आप दूसरा प्लेयर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना जैक को लूँ या फिर है ना किसको लूँ मैं, यहाँ पे मैस को लेता हूँ, मैस बहुत ताकतवर है एकदम हल्की तरह, और साथ में ये बंदूका लेके भी आता है, तो खैर बंदूका में ज़्यादा राउंड नहीं लगता है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हाँ आज जो आजकल की हाई ग्राफिक्स वाली गेम है उससे तो मेरे को ये वाली गेम्स ज़्यादा अच्छी लगती थी। इन गेम्स को आप कितना भी खेलो तो आपके सर में दर्द नहीं होता था, ये बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा सर में दिमाग में वो नहीं करती थी, मज़ा आता था, मतलब आपको उनको प्ले करते हुए एकदम बकवास सा साउंड होता था इनका, बकवास तो नहीं था वैसे, हाँ मतलब अच्छा सा साउंड होता था इनका। अरे मोटो मल मेरे पर बैठ जाओगे, मेरी हड्डी पतली एक हो जाएगी, वैसे मैं बहुत पतला होता जा रहा हूँ। ये क्या मेरा खचूमर निकाल दिया, फ्राई कर डाला मेरे को, ओके अब मैं तुम्हें फ्राई कर डालूंगा। पर फिर भी यार इस तरह गेम्स में बहुत मजा आता था ना, जाने मुझे अभी भी लगता कि बहुत अच्छा है, आपकी गेमिंग कितनी भी तरक्की कर ले बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स सब आ गई हैं, फिर भी यार जो मतलब जो बचपन में इस तरह की गेम्स को खेलने का मजा है ना वो अलग ही है। मतलब आप लोग भी जो आई थिंक जो एट जिनकी एज जो भी 6th 7th या 8th में हैं जो बच्चे हैं,
वो भी जो अब गेमिंग करेंगे तो इन फ्यूचर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे अलग ही लेवल की गेमिंग होगी, पर उन्हें याद आएगा कि जो गेमिंग हम उस टाइम पे किया करते थे उनकी गेम वही फेवरेट रहेंगी हमेशा। ऐसा होता है, मतलब आप सोच रहे हो मैं यूं ही बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर मैं मारा गया हूँ इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। तो ऐसा होगा यार आपको, मतलब अभी मेरे पास बहुत सारी गेम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं, पर मुझे मज़ा पता कितना आता है मारियो खेलने में, मारियो तो इस तरह की गेम्स खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो ब्रेक ब्रेक वाली गेम्स होती थी। तो अगर आपको ये वीडियो जब पसंद आएगी तो मैं इस तरह की गेम्स को और भी लाने की कोशिश करूंगा जो गेम्स मेरे दिल के बहुत करीब है, आपको खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसे कहता है रियल गेमिंग, बिल्कुल, जो आपको एकदम टेंशन फ्री लगती है और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं कराते। 2 रुपये के 4 सिक्के आते तो उस टाइम पर भी सस्ती थी वैसे, पर हम बच्चों के लिए तो महंगे होते ना, मुश्किल होता है 2 रुपये लाना। तो यहाँ पर आपने मैंने किल कर दिया सबको, पीछे से मोटे अंकल सबके सब मेरे पर कूद रहे हैं, मतलब मेरा खचूवर निकालना चाहते हैं, मतलब मैं इनका खचूवर निकाल दूंगा। ये मरने वाला बस थोड़ी मर गया, मरने वाला नहीं, मारा जा चुका है। तो यहाँ पर हमें बर्गर भी मिला है पर हम बर्गर खा नहीं सकते क्योंकि अब यहाँ पर गेम खत्म हो चुकी है। नंबर वन बेबी, ये मैच जीत चुका है, मैच बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा क्योंकि वो रोज 4 अंडे खाता है और बहुत सेहतमंद रहता है। ज्यादा ही बकवास कर गया आज मैं। तो खैर चलते हैं हम अपनी अगली स्टेज की तरफ। हे मैन द लुक प्रीटी बिजी, दिस इज अ गन टाइम टू टेक जक्त करास। ओके तो यहाँ पर हेल रोड पे हम आ गए हैं, जैसा कि हेल रोड से किसकी याद आता है, वो कौन सी मूवी थी, वो मैड मैक्स कुछ कुछ उस किसकी याद आ जाती है मेरे को। यहाँ पर पटक के मारूंगा, एक एक उछाल कर मारूंगा मैं, जो कि मैं हूँ मैक्स और मुझसे मतलब पंगा बिल्कुल मत लेना। ओके तो यहाँ पर हमें मिलने वाली है बेसिकली क्या, गाड़ी। मुझे याद आ गया, मेरी खुद यादाश्त लौट रही है धीरे धीरे, मेरे 6-7 तो लौट रही है। तो गाड़ी मिल गया मेरे को यहाँ पे। अब जितने भी यहाँ पे ये खतरनाक लोग और ये अधर्मी लोग यहाँ पर हैं, इनको हम मार डालेंगे और किल कर देंगे, अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे कुचल डालेंगे इनको, क्योंकि हमें जाना है आगे अपनी अगली स्टेज पे। वैसे ये गेम बड़ी छोटी थी है तो मज़ा आता है यार, देख सकते कितनी मतलब कूल है, मतलब आप खुद खेल प्ले करोगे ना मज़ा आएगा यार, के इन गेमों का जमाना क्यों चला गया। माय गॉड, ये बॉम्ब फेंक रहा मेरी गाड़ी के ऊपर, इससे मतलब मेरी गाड़ी जल जाएगी। जब रेड होगा तो मतलब मैं फिर ज़्यादा गाड़ी नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी का भी खून होता है, तो वो खून अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो मेरे को गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और पैदल जाना पड़ेगा। दुश्मन ये क्या कर रहे हो, थोड़े बम कम फेंको ताकि मुझे पैदल ना चलना पड़े, मेरा मोटा शरीर बहुत पतला हो जाएगा। माय गॉड, तो इस तरीके से दोस्तों ये गेम है जो आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी चली गई है। ये क्या, तो ये बहुत खतरनाक होता था इस वाले को मारना, क्योंकि थोड़ा सा ये टक्कर वक्कर बहुत मारता था, बम भी फेंक देता था, पर उछल कूद करके हम इससे बच सकते हैं। माय गॉड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े बहुत दुश्मन हमें परेशान कर, इस गन की मदद से मार सकते हैं, पर क्या नहीं धमाके बहुत होते हैं तो परेशान करते हैं यार। ओके जल्दी मारने की कोशिश, अरे यार ये क्या, बम बम बम, माय गॉड ये रियल गेम थी यार, ये यस हड्डी पसली ये कर दी, साथ में बाइक भी तोड़ डाली, माय गॉड कचूमा निकाल दिया सबका। तो दोस्तों ये वाली गेम भी हम यहाँ पर जीत चुके हैं। आई एम जस्ट टू कूल बेबी, माय गॉड कितने सारे पैसे आकर मैं ये रखूंगा कहाँ, माय गॉड कितने सारे सिक्के मुझे मिल गए हैं, आई एम मेस्ट, आई एम बेस्ट। तो ओके तो बस अब हम जीत चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे आपकी अगले स्टेज की तरफ। तो हमारी स्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और जल्दी गेम का एंड भी आएगा। मैस लुक अवर ग्रज, समबडी इज गोइंग टू बी पे। ओके माय गॉड, यहाँ पे एपिसोड 4 आ चुका है, जैक्स ग्रज। ओके तो दोस्तों बहुत बढ़िया गेम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये गेम पसंद आई होगी जिस तरह से वीडियो चली है। एंड आई एम सो सॉरी कि मतलब कमेंट्री बहुत ज़्यादा कर दी, क्योंकि काफ़ी लोग को पसंद नहीं आती है, वो थोड़ा डिसेंट वे में गेम को भी देखना चाहते हैं। और पर क्या करें यार, मतलब उन लोगों की मेजोरिटी ज्यादा है जो मतलब सुनना चाहते हैं मुझे। अब कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, माय गॉड। तो खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आप देखना चाहते होंगे थोड़े हाई फाइव ऐसे गेम्स, और मैं ये वाली गेम लाया, पर गेम वही खेलने चाहिए जितना आपको मजा आए, यू नो। तो जल्दी कूल कूल वीडियोज आने वाली है, स्टे विद अस, यू नो। तो बहुत सारी गेमिंग भी आने वाली है और बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, मेरे प्रॉमिस हमेशा छूट जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों जल्दी से वीडियो लाने के लिए। तो खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो मुस्तफा गेम के ऊपर, तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। तो खैर दोस्तों आज की हमारी वीडियो क्या यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोस के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।